everyone my name is paramji Singh and today we are discussing about topic of pharmaceutical analysis construction and working reference of dropping mercury electrodes the dropping mercury electrodes dme is a silver electrode used in polarography with its capillary tube used to continuously feed mercury into the polarization solution from a reservoir internal diameter 0.3 mm to 0.5 mm. तो ड्रॉपिंग मरकरी को हम सर्वर इलेक्ट्रोड की तरह यूज़ करते हैं पोलरोग्राफी में और इसको हम एक्टिव इलेक्ट्रोड के नाम से भी जानते हैं विद इट्स कैपिलरी ट्यूब यूज उसके कैपिलरी ट्यूब को यूज़ करते हैं हम कंटिन्यूसली फीड करने के लिए मरकरी को पोलराइजेशन सॉल्यूशन में फ्राम रिजर्वयर और उसका इंटरनल डायमीटर होता है 0.3 पॉइंट mm थ्री एम टू जीरो mm. पॉइंट जीरो so, फाइव एम सो दिस आर पिक्चर ऑफ़ ड्रॉपिंग मरकरी इलेक्ट्रोड तो अब एडवांटेज के बारे में बात करते हैं दे आर द एडवांटेज ऑफ द मर्करी एलेक्ट्रोड ड्रॉप्स द कंटिन्यूस रिनी सरफेस मेक इट रिप्रोड्यूसिबल स्मूथ एंड एलिमिनेट द रिस्क ऑफ पॉजिटिविटी और पॉइजनिंग तो इसका कंटिन्यूशन सरफेस को रिप्रोड्यूसिबल बना देता है और स्मूथ कर देता है और एलिमिनेट कर देता है पॉइजनिंग को आफ्टर अ चेंज इन द अप्लाइड पोटेंशियल द रिफ्यूजन करेंट टेक्स ऑन स्टडी वैल्यू विच इज रिप्रोडिसिबल और उसके अप्लाइड चेंज होते हैं पोटेंशियल में इससे थोड़ा डिफ्यूजन आ जाता है स्टडी वैल्यू में जो कि रिप्रोड्यूसिबल होता है द हाइली इलेक्ट्रोनेगेटिव हाइड्रोजन ओवर पोटेंशियल और मरकरी मेक इट पॉसिबल टू डिपोजिट सब्सटेंस आर डिफिकल्ट टू रिड्यूस एग्जाम्पल एल्कलाइम मेटलिक आयस एल्यूमिनियम आयंस एंड मैगनीश आयन्स विद प्लेटिनम माइक्रो इलेक्ट्रोड करंट पोटेंशियल कर्स फॉर दीज आयन्स कैन नॉट बी और उसका हाईली इलेक्ट्रोमेटरी हाइड्रोजन ओवर पोटेंशियल कुछ ऐसे पदार्थ को डिपॉजिट कर देता है जिसका रिड्यूस होना मुश्किल होता है थोड़ा डिफिकल्ट होता है सच ऐस एल्कली मेटलिक आयंस एलमिनियम आइंस एंड मैग्नीश। और फ्रॉम द वेट ऑफ द ड्रॉप्स वी कैन कैलकुलेट द सरफेस एरिया और हम उसके ड्रॉप के वेट से उसका सरफेस एरिया भी मेजर कर सकते हैं सो बात करते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ डी की सो डी एम ई कंस्ट्रक्ट करने के लिए दे थ्री पीस मेक अप द दस फर्स्ट वन इज़ कैपलरी सेकेंड वन इज द मरकरी रिजर्व विसल थर्ड वन इज स्टैंडिंग ट्यूब विद एन एडजस्टमेंट स्टॉप कॉक इन द कैपलरी ट्यूब जीरो फोर फाइव पॉइंट फाइव सेंटीमीटर्स ऑफ कॉर्निंग मेरीन पेरोमीटर आर जॉइंट टू सिक्स मिलीमीटर्स ऑफ सॉफ्ट ग्लास दिस रिजर्व वायर वर्करी दैट इज़ कनेक्टेड टू एन इलेक्ट्रिकल सिस्टम थ्रू टंगस्टन कॉन्टैक्ट मर्करी वेल्स सो लास्ट में हम बात करते हैं वर्किंग ऑफ ड्रॉपिंग मरकरी इलेक्ट्रोड की मरकरीज एज्यूम टू बी एक्टिंग एज अ काउंटर इलेक्ट्रोड मरकरी को हम एज्यूम करते हैं काउंटर इलेक्ट्रोड में सच डेट इधर कैथोड और एनोड वो मरकजी कैथोड और एनोड दोनों किसी में भी एज्यूम कर सकते हैं वे डी एम एक्टिंग एज अ कैथोड और हम डी एम अगर कैथोड में एक्टिंग करेगी तो काउंटर इलेक्ट्रोड्स कैन नाट भी पोलराइज तो काउंटर इलेक्ट्रोड्स पोलराइज नहीं हो पाएंगे एंड एलेक्ट्रोल सोल्यूशन सच एस के सी आई इज एडिड टू एनोलाइट सोल्यूशन प्रोड्यूसिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फिफ्टी टू हंड्रेड टाइम्स ग्रेटर दैन द कॉन्सेंट्रेशन अगर हम के सी एल को एनलाइड सोल्यूशन में डालेंगे और उसका कॉन्सेंट्रेशन मैच करेंगे तो हमें फिफ्टी से हंड्रेड टाइम ग्रेटर सोल्यूशन चाहिए होगा उसकी कॉन्सेंट्रेशन मैच करने के लिए और ऑक्सीजन उस पर अंदर से एक्सपेल्ड हो जाएगा द सोल्यूशन बाय बबलिंग प्योर नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन गैस थ्रू इट और हाइड्रोजन और नाइट्रोजन गैस को बबल करने के लिए करने के बाद उसमें से ऑक्सीजन एक्सपेल्ड हो जाएगा द पोलारोग्राफिक सेल इज़ प्रोवाइडेड विद द वोल्टेज एंड द करंट इज मेजर्ड पोलारोग्राफिक सेल को वोल्टेज और करंट दिया जाएगा मेजर्ड करने के लिए एंड इनवर्स ग्राफ ऑफ वोल्टेज वर्सेज करंट इज़ ड्रॉन कॉन्सिटेंटली और उसको करंट में वोल्टेज में चेंजेस लाने से एक ग्राफ क्रिएट होगा उस ग्राफ को पोलेरोग्राफ बोलते हैं एंड उस एपरेटस को पोलेरोग्राम बोलते हैं थैंक यू सो मच